मुख्यमंत्री शिवराज आज मेहराएंगे, चौथे कार्यकाल के अंतिम दौर में करेंगे नए जिले का पहला दौरा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज प्रदेश के नवगठित 56वें जिले मेहराएंगे। अपने चौथे कार्यकाल के अंतिम दौर में मुख्यमंत्री का मेहर जिले में यह पहला दौरा होगा। इसके पहले 3 बार सीएम का मेहर दौरा स्थगित हो चुका है। मेहर के जिले के रूप में गुरुवार को अस्तित्व में आने के 48 घंटे के अंदर 7 अक्टूबर शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मेहर पहुंचेंगे। वे यहां चित्रकूट पर्वत पर विराजी माता शारदा दर्शन कर मत्था टेकेंगे और फिर बंधा पैरियर के पास आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। पार्टी सूत्रों ने बताया कि विधानसभा चुनाव के ठीक पहले जिला बनाए गए मेहर को मुख्यमंत्री कई सौगात भी देंगे। वे माता शारदा को ड्योढ़ी पर पहुंचकर मेहर जिला उन्हें समर्पित करेंगे। हालांकि गुरुवार को सतना में आयोजित किसान सम्मेलन के मंच से ही उन्होंने मेहर जिला माँ शारदा को समर्पित करने की बात कही थी। तैयारियां तेज, हो सकता है शारदा लोक का शिलान्यास। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मेहर आगमन की तैयारियां उनके गुरुवार को सतना से लौटने के बाद ही शुरू कर दी गई थी। संभागायुक्त अनिल सुचारी, सतना कलेक्टर अनुराग वर्मा, एसपी आशुतोष गुप्ता एवं सीईओ जिला पंचायत डॉक्टर परीक्षित राव ने तैयारियों का जायजा लिया है। अब मेहर की पहली कलेक्टर रानी बाटर ने भी पदभार ग्रहण कर लिया है, लिहाजा वे भी तैयारियों में जुट गई हैं। माना जा रहा है सीएम अपने मेहर प्रवास के दौरान मां शारदा लोक के निर्माण का शिलान्यास कर सकते हैं। इस कार्य के लिए 25 करोड़ रुपए की मंजूरी गुरुवार को ही जारी की गई है, जबकि 13 करोड़ पहले भी स्वीकृत किए जा चुके हैं। अमरपाटन में पुलिस अनुभाग एवं पॉलिटेक्निक को मंजूरी। मेहर जिले के अमरपाटन तहसील में पुलिस के नए अनुभाग विभाग शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज को भी शासन ने शुक्रवार को मंजूरी दे दी है। अभी तक मेहर जिले में एक ही पुलिस अनुभाग था, लेकिन इस मंजूरी के बाद अब अमरपाटन पुलिस अनुभाग भी अस्तित्व में आ जाएगा। ये दोनों घोषणाएं सीएम ने रामनगर में लाडली बहना सम्मेलन के दौरान की थी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।